एक प्रकृति से विकृति की ओर कैसी यात्रा होती है आप थोड़ा समझो। गेहूं को लो, गेहूं को सभी खाते हैं। अब गेहूं को प्राकृतिक रूप से हम खाएं, उसे अंकुरित करके खाएं, तो उस अंकुरण में इतने बहुमूल्य तत्व आ जाते हैं कि लाख रुपए भी खर्च करें तो मार्केट में नहीं मिलता है। और इस अंकुरित गेहूं का हमने प्रयोग किया है। कभी कभी आप लोग जो है ना आस्था देखते हो, तो उसमें कई लोगों ने बताया है कि अंकुरित गेहूं खाने से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, 6 साल बाद 7 साल बाद हुआ। क्यों हुआ भाई? तो उस गेहूं में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनिक एसिड, जो मार्केट में खरीद करो खाओ, लाख रुपये भी खर्च करो तो नहीं मिलता है। तो खा लेके दिया। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब ये जो है ना क्या करता है, ये आपके जो है ना एंटी एबोर्शन, एंटी मिसकैरेज, बच्चों के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अद्भुत है। इतना ही नहीं, ये विटामिन बी का जो कैप्सूल है, इतना ही नहीं उसमें जो है जब अंकुरित करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो कमाल का होता है। यहाँ तक कि गेहूँ, सुनो ध्यान से, जिनके भी मुंह में छाले पड़ते हैं, पेट गड़बड़ रहता है, पेट की स्थिति खराब रहती है, वो गेहूँ को भिगो देते हो आप सुबह और दूसरे दिन उसके पानी को पी लेते हो, उसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है रेजीवेलक वाटर, यानी पुनर्जीवन देने वाला वाटर। क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस, एस्पर्गिलस ओरिजे, डेस्टिन, सैक्रामाइसिस, सैक्राइंस, ये बहुमूल्य तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो कि प्रकृति से विकृति की ओर जब हम जाते हैं तो फिर बीमारियां होती हैं। अब उस गेहूं को देखो प्रकृति से विकृति की ओर कैसी यात्रा करते हैं। वैसे तो अंकुरित गेहूं के बहुत सारे दिव्य गुण हैं, उस पर लेक्चर दें तो घंटों हमको लगेगा। तो इसलिए जो है, इसलिए हमने आहार पर जो पुस्तकें लिख कर आप लोगों को दे दिया है, जो यहाँ मिलता है, बेस्ट सेलर बुक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, एक एक आहार का हमने बड़े वैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ है। तो ये ध्यान रखो कि भाई अब गेहूं से क्या बन जाता है, दलिया बन जाता है। दलिया इज बेटर, लेकिन अंकुरित गेहूं का मुकाबला नहीं है। और एक नहीं कैसे हमारे कई हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि भाई जिनके ऊपर हमने प्रयोग किया इसका, और ख़ास करके जिनको डॉक्टरों ने कहा कि तू माँ नहीं बन सकती यार, ये छोटा सा प्रयोग गेहूं का अंकुरण, एक से बढ़कर एक। जब मैं बोलता हूँ तो सारे एग्जाम्पल मेरे आँखों के सामने परिलक्षित होने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये क्या है कि रोज़ फेंक दिया जाता है, उधर छिपका करके रख देना। तो ये ध्यान रखो कि अब उनको हम एग्जाम्पल दें तो बहुत सारे ये आ जाएंगे। तो ये गेहूं का मैं कह रहा था कि उसको हम अंकुरित करके खाते हैं, बहुत अच्छा है। उसी गेहूं से दलिया बन जाता है, लेकिन अंकुरण फार बेटर देन दलिया। अब उस अंकुरण गेहूं को हम उन लोगों को खिलाते हैं जिनके शरीर में, ये हृदय रोग से रक्षा करता है, ब्लड प्रेशर से रक्षा करता है, तो उसका हम कहते हैं कि दूध बनाकर पियो। अब जिन माताओं को जो ना, अब जैसे एक महिला थी जिसको मिस्टर मिसेज डालमिया करके अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उसको जो ना 6-7 साल हो गए थे, तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर आती थी गायनकोलॉजिस्ट और क्या नाम, तो उसको हमने कहा कि इसको अपने सुपरविजन में रखो, लेकिन चिकित्सा मेरी चलेगी। और उसने जो है
उसके साथ भी वही था, 6-7 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा कि इसको दूध बनाकर पियो, अंकुरित गेहूं का, जिनके सेक्सुअल डेबिलिटी उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये नपुंसकता को दूर करता है, कोल्डनेस को दूर करता है। तो इसको जो है, फिर हमने कहा कि इसको दलिया बनाकर खाओ, इसको दूध बनाकर पियो, उसकी जो है ना जितना हो सके खाओ दिन भर। और उन लोगों ने प्रयोग किया पूरी ईमानदारी के साथ, और वो तो इसे कई, तो ये मैं कह रहा था कि भाई अंकुरित गेहूं का दलिया भी बन जाता है, मिक्सी में पीस लो, बना लो दलिया। उसके जो है ना अंकुरित गेहूं का और एक बहुत शानदार, जो चाहते हैं कि हमारी सुंदरता बरकरार रहे, अंकुरित गेहूं खाए जरूर खाया करो। देखो एक महिला जो है ना टाटा आयरन स्टील कंपनी, वहाँ पर ब्यूटी उसमें जो कंटेस्ट में भाग लिया, तो मेरे से मिली, कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है ना कोई उपाय बताओ ताकि उसमें भाग ले रही हूँ। मैंने कहा कि देख अंकुरित गेहूं का दलिया खा, और उसका जो भी है फिर और सारी एक्सरसाइज मैंने बता दिए। और वो मिसेज सावन चुनी गई 400-500 महिलाओं में। तो ये जो है ना सुंदरता को बढ़ाता है, त्वचा को लावण्य प्रदान करता है, बहुत अद्भुत है ये। तो अंकुरित गेहूं जो है ना का प्रयोग, अब उसी से दलिया बन जाए, दलिया इज बेटर, लेकिन अंकुरित गेहूं का मुकाबला नहीं है। प्रकृति से विकृति की यात्रा कैसे होती है मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का। फिर उसी दलिया से आटा बना देते हो, आटा दलिया का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि दलिया में फाइबर्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आटे में क्या हो गया, वो सब खत्म हो गया। और इस समय क्या आटा, पहले जो है आटे बनते थे चक्की का, हाथ के चक्की का, हैं कितना कम रोटेशन होता था, उसमें प्रेम घोला जाता था, गीत घोला जाता था, संगीत घोला जाता था। तब वो आटा तो मिलता नहीं है, उसी आटे को खा करके महाराणा वीर प्रताप, महाराणा प्रताप जो है ना मुगलों से लड़े थे, और पहले सभी खाते थे। तो ये जो है ध्यान रखो, आटा जो है दलिया का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब उसी आटे से आप बना देते हो मैदा, अब मैदा क्या हो जाता है, निकृष्टतम गेहूं का जो ना रूप है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सफेद पॉइजन, व्हाइट पॉइजन है वो। क्यों है, अब देख लो आप लोग, अब आप जो है ना कई लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर नेचुरल कॉल को पूरा करने के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, और घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि आ जा आ जा आ जा, फिर भी आता नहीं है। कितने दुखी रहते हैं सब दिन भर, क्यों? तो इस प्रकार की मैदे जैसे आटे की रोटियां खा खा करके, पहले इस मैदे का उपयोग क्या करते थे, लई बनाने में करते थे, चिपकाने में। हम लोग बच्चे थे ना तो होमवर्क मिलता था, आप लोगों को भी याद होगा कि लई बनाकर चिपकाते थे। अब वो चिपकाने के लिए ग्लू आ गया है भांति भांति के, अब पेट को चिपका रहे हैं, मट्ठी खा रहे हैं, आपके क्या नाम छोले भटूरे खा रहे हैं, भांति भांति की चीज़ें बड़े प्रेम से, वो क्या बोलते हैं तंदूरी रोटी खा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब मैदे की बनी पेट को चिपकाने वाला काम। इसलिए से ध्यान रखो, रिटर्न टू नेचर, लौट आओ प्रकृति की ओर। मूंग है, मोठ है, चना, इसको अंकुरित कर खाते हो कितना अद्भुत है ये।